अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। देश का एक उदाहरण बना है। भारत ने पिछले 9.5 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया में जो पहचान बनाई है वो हम सबके सामने है। भाइयों बहनों, दुनिया में भारत का जो सम्मान बढ़ा है, यह सम्मान भारत के 140 करोड़ की आबादी का बढ़ा है। 2014 के पहले भारत का नागरिक दुनिया में कहीं जाता था सम्मान नहीं पाता था। 2014 के बाद हर भारतवासी को दुनिया में सम्मान मिल रहा है। भारत के बारे में लोगों की धारणा बदली है, दुनिया की धारणा बदली है। इसलिए क्या कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, क्या ये शोभा देता है क्या? नहीं। अरे देश के संसाधनों पर भारत के हर नागरिक का अधिकार है। हर गरीब का, हर वंचित का, हर दलित का, हर कमजोर व्यक्ति का, हर नागरिक का, हर महिला का, हर नौजवान का, हर किसान का, इनका अधिकार है देश के संसाधनों पर। किसी व्यक्ति, किसी जाति, किसी मत और मजहब का अधिकार नहीं हो सकता, क्योंकि भारत हम सबका है। और इसीलिए आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। 17 नवंबर को चुनाव है, आप समस्या चाहते हैं या समाधान चाहते हैं? समाधान। समाधान के लिए भाजपा है, समाधान के लिए भाजपा है। भाजपा को चुनाव जिता करके भेजेंगे। डॉक्टर राजेश सोनकर जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, एक निष्ठावान कार्यकर्ता सम और विषम परिस्थिति में कैसे पार्टी के साथ खड़ा रहता है, इसके उदाहरण है डॉक्टर राजेश सोनकर। सहमत है ना? विधानसभा सीट को उसकी पहचान दिलाने के लिए आए हैं श्री राजेश सोनकर। सहमत है? देव के लिए समाप्त हो गया और आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है ना, आपको कोई संदेह नहीं है ना? किसी को आप किसी को संदेह है क्या? अब तो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम लला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होंगे। इसमें कोई पहुंचा सकते थे नहीं दिया। भाइयों बहनों, हर गरीब के घर में रसोई गैस का कनेक्शन पहुंचा सकते थे नहीं दिया। कांग्रेस गरीब कल्याण पर विश्वास नहीं करती है, कांग्रेस को स्वयं के कल्याण पर विश्वास करती है और एक परिवार के कल्याण पर विश्वास करती है। आस्था का अपमान करने वाली कांग्रेस से मुक्ति चाहिए। आइए भारतीय जनता पार्टी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने के संकल्प के साथ आप सब जुड़िए। सभी लोग सहमत रहे तो फिर मेरे साथ दोनों हाथ लगा के बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय पर उन्होंने अपनी दुनिया बनाई। ऐसे पावन धारा को नमन करता हूं।
भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश को हर व्यक्ति जानता है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान की धरती। भाइयों बहनों, 1947 में आजाद भारत के अंदर पहली सरकार कांग्रेस नेतृत्व में बनी थी। लोकप्रिय प्रत्याशी डॉक्टर राजेश सोनकर जी हर गरीब को स्वास्थ्य बीमा का कवर दे सकते थे, नहीं दिया। चलिए फिर जाइए गांव नगर की ओर।